मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में हैंड एंड माइक्रोस्कुलर सर्जन हूँ। और मेरा काम बेसिकली जो पूर्णतः शरीर से कटे हुए अंग होते हैं, जो चोट लग जाती है या किसी मशीन से कट जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम किया जाता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कटे हुए भाग को कैसे लाना, सबके मन में प्रश्न आता है, तो इसका जो उत्तर है वो यह है कि उस कटे हुए भाग को एक खाली थैली में सील करके और फिर उसको एक आइस बॉक्स में रख के और उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्टर के पास लेके आए। उसको किसी डायरेक्ट आइस में नहीं रखें, डायरेक्ट पानी में नहीं डालें और उसको खुला नहीं छोड़ें। और जो भाग शरीर से जुड़ा हुआ है जिसमें रक्त स्राव हो रहा है, उसमें किसी भी तरह की खून की नलियों को बंद करने की कोशिश न करें, सिर्फ एक गीले कपड़े से जोर से दबाव बनाकर और उसको जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करें। हमारे पास जो समय होता है उसको रक्त संचार को करने का, वो कंधे में कम होता है और कंधे से नीचे जाते जाते बढ़ता जाता है उंगलियों की तरफ। तो कंधे के पास अगर हाथ कटा है तो उसमें हमारे पास 3 या 4 घंटे का समय होता है जिसमें कि हम रक्त संचार सुचारू कर दें, और उंगली में हमारे पास 15 से 18 घंटे का समय होता है जिसमें हम रक्त संचार सुचारू कर दें। तो हमें जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से बात करके और मरीज को जितना जल्दी हो सके अस्पताल में, और रास्ते में मरीज को कुछ अगर बॉटल आईवी फ्लूइड वगैरह लग जाए या उसको कोई ना कोई माध्यम से वो देना चाहिए, बट उसको मुंह से पानी वगैरह नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि अगर वो पिला दिया जाए तो ऑपरेशन में उतनी ही देरी हो जाएगी, क्योंकि उसे खाली पेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह के ऑपरेशन करने के बाद मरीज को करीब 10 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है, और शुरू के 3 से 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जब हमें लगातार निगाह रखनी पड़ती है कटे हुए भाग के कि उसका रक्त संचार सुचारू रहे। कई बार 2 या 3 बार उसको पुनः खोल के और उस रक्त संचार को सुचारू भी करना पड़ सकता है, और इस दौरान हमें खून को पतला करने की दवाइयाँ और वो सब चालू रखनी पड़ती है, और मरीज पर लगातार निगाह रखनी पड़ती है कि उसका खून ज़्यादा पतला भी नहीं हो और कम वो भी नहीं रहे। तो लगभग 10 दिन अगर वो जीवित रह जाता है कटा हुआ भाग, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, जिसमें कि मरीज का हाथ अब आगे हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा।